जो गाय का दूध हमारे शास्त्रों में बोला गया था अमृत तुल्य है, अमृत के समान है, वही गाय का दूध आज हमारे लिए जहर बन गया है। वो गाय का दूध क्यों अमृत था? क्योंकि वो गाय का दूध हमारे माइक्रोबायोम को डाइवर्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत बिसेन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 5 है इन द सीरीज ऑफ लीकी गट एंड माइक्रोबायोम। एपिसोड नंबर 1 में दोस्तों मैंने पूरा डिटेल में आपको लीकी गट और माइक्रोबायोम के बारे में बताया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको पूरा डिटेल में देखिए, ध्यान से देखिए, आपको इसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में दोस्तों हमने बात की थी अमेरिका में कैसे एग्रीकल्चर का उन्होंने अपना सत्यानाश किया, कैसे उन्होंने अपने टॉप लेयर टॉप सॉइल को डिस्ट्रॉय किया और केमिकल्स के हैवी इस्तेमाल के बाद उनका क्या स्टमक कैंसर और बाकी डिजीज़ों में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वही मॉडल हम जो इंडिया में फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में हमने बात की थी। तो इस एपिसोड में बात करेंगे दोस्तों कि हम पुराने टाइम में कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग करते थे। सो लेट्स डाइव इन डीप। भारतीय किसान हजारों सालों से अपनी खेती गाय के द्वारा करता आया है। गाय का गोबर फर्टिलाइजर के रूप में, गाय मूत्र पेस्टिसाइड हर्बिसाइड के रूप में यूज़ करता था और गाय का दूध उसके घर के पालने पोसने के लिए काम आता था। एक पूरी सस्टेनेबल इकोनॉमी थी, एक पूरी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था। इसमें ना उसने बाहर से कोई बीज खरीदना है, ना उसने बाहर से फर्टिलाइज़र खरीदना है और ना उस किसान ने कोई पेस्टिसाइड हर्बिसाइड बाहर से इस्तेमाल करना है। हमारी खेती के लिए ना सिर्फ गाय ज़रूरी थी बल्कि बैल भी इस्तेमाल होते थे खेत की जुताई के लिए, और जब बैल खेत की जुताई करते थे उस टाइम वो भी अपना गोबर करते थे। अब गोबर में कितनी ज़्यादा माइक्रोबायोम की उसकी कैपेसिटी है ये जानने के लिए मैं आपको बताऊँ कि एक ह्यूमन पूप में 1 ग्राम में तकरीबन 50 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं, 50 बिलियन। और ऐसे ही गाय के और बैल के गोबर में हर तरह के खनिज जैसे पोटाशियम, फास्फोरस, जिंक, इस तरह के हर तरह के मिनरल उसमें होते हैं जो कि अभी केमिकल्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का बोल के दिया जाता था। वो नेचुरल वे ऑफ ये मिनरल्स को ऐड करने का गाय और बैल के गोबर के द्वारा होता था। अब देखिए आज के दौर में 1960 के दशक के बाद जो केमिकल फार्मिंग शुरू हुई ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे, अब किसान ने केमिकल जब डालना शुरू किया तो अगले साल किसान को और केमिकल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, हर्बिसाइड और ज़्यादा चाहिए। तो एक ये मॉडल है आज की डेट में जिसमें सब कुछ किसान को बाहर से खरीदना है और उसकी उत्पादकता भी नहीं बढ़ रही है, और एक वो हमारा मॉडल था जो सब कुछ अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग था। एक हेल्दी बॉडी के लिए पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक डाइवर्स माइक्रोबायोम का होना बहुत ज़रूरी है, और वो डाइवर्स माइक्रोबायोम कैसे होता है? आप डाइवर्स भिन्न भिन्न तरह की सब्जियाँ फल खाइए, अलग अलग रंग के सब्जियाँ और फल खाइए, और यही काम हमारी गाय करती थी। पहले के ज़माने में गाय 11 किलोमीटर ऐसा शास्त्रों में बोला गया है 11 किलोमीटर चरने जाती थी और वापस उसी टाइम फिर 11 किलोमीटर वापस आती थी, मतलब 22 किलोमीटर दिन में गाय चलती थी। दिनांते पिवेत दुग्धम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। 11 किलोमीटर गाय जाती है, 11 किलोमीटर वापस आती है शास्त्र के अनुसार। उस टाइम पे 22 किलोमीटर के दायरे में आते जाते हजारों तरह के प्लांट्स खाती थी, और उसका डाइवर्स जो प्लांट्स जो चरती थी गाय, उसी का सारा निचोड़ उसके दूध में आता था। और वो जब हम दूध पीते थे तो इमेजिन करिए कि हमारा माइक्रोबायोम कितना डाइवर्स होता था और उससे हमारी बॉडी को कितना फायदा होता था। सो हमारी वो गाय जो दिन में 22 किलोमीटर चर के आती थी और जो दूध देती थी, वो गाय का जो दूध होता था A2 मिल्क प्रोटीन बोलते हैं आज की डेट में, वो A2 मिल्क प्रोटीन है। लेकिन जो अब हम जो दूध पी रहे हैं, क्योंकि वो गाय मेनली जर्सी या होलिस्टिन गाय हैं या जो देसी गाय भी बोली जा रही हैं उनका भी क्रॉस हो चुका है उनके साथ, तो उसमें अब वो मिल्क प्रोटीन A1 बन चुका है। वो ऐसा हुआ कि 2000 साल पहले नॉर्दर्न यूरोपियन काउस के जीन म्यूटेशन की वजह से जो मिल्क का एक BCF7 बोलते हैं वो पार्ट रिप्लेस हो गया, इसकी वजह से वो A2 मिल्क प्रोटीन A1 मिल्क प्रोटीन बन गया। कीथ वुडफर्ड ने एक किताब लिखी थी डेविल इन द मिल्क, न्यूजीलैंड का ये प्रोफेसर, इसने जब बताया कि जो दूध बच्चे पी रहे हैं उसकी वजह से बच्चों को एस्मा और बड़ों को ना सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम्स बल्कि सम फॉर्म ऑफ अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस भी हो रहे हैं। इन योर बुक आई मीन यू टॉक अबाउट द कनेक्शन बिटवीन डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज इन टर्म्स ऑफ दोस ड्रिंकिंग A1 मिल्क, आई मीन व्हाट डू यू हैव टू बैक दैट अप? Well, the first bit of evidence, which has been around for a long time, is that wherever we have a country that has a high intake of A1 beta casein, we have a high level of type 1 diabetes. This is the one that young people get and you have to have insulin.
we have the same relationship for heart disease. हम भारतीयों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, हम अपनी चीज को तब तक अच्छी नहीं समझते जब तक कि वेस्ट उसको अच्छा ना बोल दे। ब्राजील ने हमारी भारतीय गायों की क्षमता अच्छे से पहचान ली थी। 1960 में आके उन्होंने महाराजा भावनगर से रिक्वेस्ट किया कि हमारे को आप अपना एक बढ़िया सांड गिफ्ट करें, क्योंकि सांड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अगर आपको एक अच्छी गाय लेनी है तो। ये बात ब्राजीलियन को 1960 में समझ गए थे। महाराजा ऑफ भावनगर कृष्ण कुमार जी ने वो एक फ्री सांड उनको गिफ्ट दिया, जिसको कि उन्होंने नाम भी कृष्णा रखा था। आज की डेट में उस सांड का इस्तेमाल करके ब्राज़ील वाले ऐसी गाय उन्होंने आज बना ली है जिसमें कम से कम 30 से 40 लीटर दूध दे रही हैं वो, और अगर वाकई में जो बहुत अच्छी ब्रीड की वो गायें हैं वो 60 से 70 लीटर एवरीडे दूध दे रही हैं। अब वही ब्राज़ील से हम उस कृष्णा बुल जो हम महाराजा ने फ्री में गिफ्ट दिया था उसके एम्ब्रियोज हम लाखों में लेने की बात कर रहे हैं, लाखों रुपए में खरीदने की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, ब्रिटिशर्स ने कुछ वैरायटीज यहाँ से इंग्लैंड लेके गए और इंग्लैंड से वो वैरायटी गई अमेरिका। अमेरिका ने वो वहाँ पे बुल ये डेवलप किया, उसका नाम उन्होंने इंडिया के ही ऊपर ब्राह्मण के नाम से रखा। वो ब्राह्मण नाम का बुल, वैरायटी का बुल, उसको ऑस्ट्रेलिया ने भी इम्पोर्ट किया। आज के डेट में जहाँ पे मैं रहता हूँ क्वींसलैंड, वहाँ नॉर्दर्न क्वींसलैंड में ये ब्राह्मण बुल इतना फेमस हो गया और इतना प्रचलित है यहाँ पे कि इसकी कीमत लाखों डॉलर में है। एक ब्राह्मण बुल पिछले 6 महीने पहले शायद 3.25 लाख डॉलर में बिका है। तो वो चीज़ जो हम भारतीय जिसकी हम मूल्य नहीं समझ पा रहे, वेस्ट ने उस चीज़ को समझा है और उस चीज़ को इस्तेमाल करके वो अब वापस हमारे को ही मार्केट करके बेचा जा रहा है। हमारी पुरानी परंपरा खेती करने की इतनी सस्टेनेबल थी और इतनी प्रॉफिटेबल थी, ये बात आजकल हमारे कई युवा पीढ़ी के किसान इस बात को समझ रहे हैं, और इसी कड़ी में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी कड़ी में मैंने बात की है एक आकाश चौरसिया जी से, जो कि एक यंग फार्मर हैं एमपी में सागर से, और वो एक अपने 2.5 एकड़ के खेत में 15 लाख का कम से कम सालाना मुनाफा उठा रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में फ़ायदा नहीं है, ये वीडियो ज़रूर देखें। ये मल्टी लेयर फार्मिंग की फील्ड है और इसमें हम एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 फसलों को लेते हैं, क्रमशः ज़मीन के ऊपर वाली फसल, फिर ज़मीन के अंदर वाली फसल और उसके ऊपर वाली फसल और उसके ऊपर वाली फसल। ज़मीन के अंदर अदरक है, उसके ऊपर ये भाजी है, फिर उसकी 7 फिट की हाइट पे ये कुंदरू है और उसकी 8 फिट की हाइट पे ये पपाया होगा। आकाश चौरसिया जी सिर्फ एक अकेले एग्जांपल नहीं है, दिल्ली में ऐसे कई सारी डेयरीज खुल गई हैं जो देसी गाय का दूध लोगों के घरों तक डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, घी बना के पहुंचा रहे हैं, और साथ में ऑर्गेनिक फार्म बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। सो डिमांड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ज़रूरत ये है कि जो हमारा एंशियंट विजडम है उसको इस्तेमाल करें विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज के ज़माने के बच्चों को मैं अर्ज करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने माँ बाप की हेल्प करें कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वो किसान उसको डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँचा सकें, जिससे किसान का मुनाफा दुगना नहीं, तिगुना नहीं, 5 गुना भी हो सकता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर भारत में सोने के खदान इतने ज़्यादा नहीं थे कि जिससे भारत को सोने की चिड़िया कहने का खिताब मिल जाता। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि द्वारकाधीश में बहुत बड़ा पोर्ट हुआ करता था पुराने समय में। हमें घी बनता था और वो घी मथुरा, भरतपुर, दिल्ली, खैबरघाट होते हुए हम अफगानिस्तान के जरिए पूरे यूरोप में घी बेचते थे। यूरोप, अमेरिका तो था नहीं, यूरोप के 34 देशों में से हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात, हम सिर्फ घी नहीं लेकिन ग्रेन, गेहूँ, अनाज, स्पाइसेस, इलायची, लौंग, जो वहाँ होता ही नहीं, वो सब बेच के हम सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात लाते थे। वास्को डी गामा को बोला जाता है कि उसने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया का, पर सच्चाई ये है कि वास्को डी गामा ने एक भारतीय गुजराती ट्रेडर का शिप फॉलो करके गुजरा अपना अफ्रीका के जैंजीबार से इंडिया आया था। ये बात खुद वास्को डी गामा ने अपने किसी जीवनी में लिखा है। इसकी पुष्टि डॉक्टर विष्णु वकानकर ने अपनी किताब में भी किया है। ना सिर्फ वास्को डी गामा, फेमस
सेलर मार्को पोलो ने भी बात बोली, स्वीकार की थी कि भारतीय जहाज बहुत बड़े हुआ करते थे, तीन तीन गुना चार चार गुना बड़े हुआ करते थे यूरोपियन जहाजों के मुकाबले में। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी संस्कृति बहुत रिच रही है और हम साइंटिफिकली बहुत आगे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे को ये बात बोल बोल करके कि आप लोग इन्फीरियर हो, आपकी संस्कृति ख़राब है, आपकी गाय ख़राब है, आपकी खेती ख़राब है, हमारे को वो हमारी चीज़ें नष्ट करने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। मैं इस चैनल के माध्यम से भारत की उस आत्मा को फिर से जगाना चाहता हूँ कि हम वापस अपनी संस्कृति में उस जगह पे जाएं जहाँ पे हम वो एंशंट विजडम को आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिला के भारत को एक सुपर पावर बना सकें जो भारत रिचली डिजर्व करता है। इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं पूरा डिटेल में जाऊँगा कि कैसे माइक्रोबायोम को आप डाइवर्स बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने लीकी गट से बच सकते हैं। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाइए सो दैट कि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ हो तो आपको डायरेक्टली मिल जाए। नमस्कार।